अतुल प्रधान जी 24 घंटे में दूसरी बार पुलिस हिरासत में, किस लिए, कहां जा रहे थे, क्या रहा? देखिए, सरकार की जो मंशा है वो तानाशाही की है और तानाशाही सरकार लगातार जुल्म ज्यादती कर रही है। कल आपने पहलवानों पर बर्बरता देखी होगी, हमारे जो जहां पर लोगों का अरेस्ट किया जा रहा था वो जबरदस्ती की जा रही थी, और सरकार के इस समय उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। 2024 में निश्चित रूप से इस सरकार को डिफीट जनता देने जा रही है। और आज हम लोग वोट का अपने उपयोग किए, मैं कल था क्योंकि MLC के लिए समाजवादी पार्टी और अधिकृत रूप से जो प्रत्याशी हमारे उतारे गए तो उनको वोट डालना था, और विपक्ष का होने के नाते मेरा वोट डालना जरूरी था। लेकिन वहाँ से तुरंत मुझे निकलकर मैंने 11 बजे फ्लाइट पकड़कर, मेरा मन में ये था कि मैं यात्रा में शामिल हूँ और मेरे पास क्योंकि समाज का मुद्दा और मसला था, मुझे जाना था वहाँ पर। वहाँ के व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भी वहाँ के लोगों ने दे रखा था और मेरा वहाँ पर जाना जरूरी था, लेकिन रास्ते में ही पूरी हर जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस लगी हुई थी हमें रोकने के लिए, हर जगह चेकिंग चल रही थी। और उसी चेकिंग के हिस्से में हम बागपत के बॉर्डर से जब पैरिफेरल से उतरे तो इन लोगों ने CO और कई थानों की फोर्स लेकर वहाँ पर खड़े थे। वहाँ पर उन्होंने जितनी जाति बर्बरता कर सकते हैं पुलिस के हिसाब से वो की, जिसकी हम लोग विधानसभा में उसको लेकर जाएंगे और मैं कोर्ट में भी इस बात को जरूर लेकर जाऊंगा। देखिए, सरकार की जो मंशा है वो तानाशाही की है और तानाशाही सरकार लगातार जुल्म ज्यादती कर रही है। कल आपने पहलवानों पर बर्बरता देखी होगी, हमारे जो जहाँ पर लोगों का अरेस्ट किया जा रहा था वो जबरदस्ती की जा रही थी, और सरकार के इस समय उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। 2024 में निश्चित रूप से इस सरकार को डिफीट जनता देने जा रही है। और आज हम लोग वोट का अपने उपयोग किए, मैं कल था क्योंकि MLC के लिए समाजवादी पार्टी और अधिकृत रूप से जो प्रत्याशी हमारे उतारे गए तो उनको वोट डालना था, और विपक्ष का होने के नाते मेरा वोट डालना जरूरी था। लेकिन वहाँ से तुरंत मुझे निकलकर मैंने 11 बजे फ्लाइट पकड़कर, मेरा मन में ये था कि मैं यात्रा में शामिल हूँ और मेरे पास क्योंकि समाज का मुद्दा और मसला था, मुझे जाना था वहाँ पर। वहाँ के व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भी वहाँ के लोगों ने दे रखा था और मेरा वहाँ पर जाना जरूरी था, लेकिन रास्ते में ही पूरी हर जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस लगी हुई थी हमें रोकने के लिए, हर जगह चेकिंग चल रही थी। और उसी चेकिंग के हिस्से में हम बागपत के बॉर्डर से जब पैरिफेरल से उतरे तो इन लोगों ने CO और कई थानों की फोर्स लेकर वहाँ पर खड़े थे। वहाँ पर उन्होंने जितनी जाति बर्बरता कर सकते हैं पुलिस के हिसाब से वो की, जिसकी हम लोग विधानसभा में उसको लेकर जाएंगे और मैं कोर्ट में भी इस बात को जरूर लेकर जाऊंगा।